यूक्रेन लंबे समय से अपने पश्चिमी सहयोगियों अमेरिका और ब्रिटेन से रूस के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलों को इस्तेमाल करने की इजाजत दिए जाने की मांग कर रहा है। इससे यूक्रेन रूस के भीतर हमला करने में सक्षम होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये रूस के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। सामने आ रही गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस के भीतर हमलों की मंजूरी दे दी है। रूसी सीनेटर ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यह फैसला पहले ही कर लिया था, अब वे मीडिया के जरिए इस बारे में सिर्फ औपचारिक जानकारी दे रहे हैं। रूसी सीनेटर की माने तो ब्रिटेन ने रूस के भीतर हमला करने के लिए यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए पहले ही हरी झंडी दे दी है। ये जानकारी गार्जियन ने अज्ञात सरकारी सोर्सेज के हवाले से दी है। हालांकि सूत्रों ने दावा किया कि ब्रिटेन द्वारा इस कदम की सार्वजनिक रूप से घोषणा किए जाने की उम्मीद नहीं है। रूसी सीनेटर ने टेलीग्राम पर लिखा कि रूसी क्षेत्र पर हमला करने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में बहुत सारी बातचीत और संकेत है कि हमले की पूरी तैयारी है। उन्होंने लिखा कि गार्जियन की रिपोर्ट अचानक नहीं आई है, बल्कि इसके जरिए पश्चिमी मीडिया जनता की सहमति बना रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित कई नेटो देश यूक्रेन को हथियार से लेकर कई तरह की मदद कर रहे हैं, लेकिन इन हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर कुछ प्रतिबंध हैं। यूक्रेन को उन्हीं नियमों के दायरे में रहकर इन हथियारों का इस्तेमाल करना है। यूक्रेन पर लगाए गए इन प्रतिबंधों का सीधा मतलब ये था कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो रूस के साथ सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं है। इन प्रतिबंधों के चलते यूक्रेन अपने दुश्मन देश रूस पर एक निश्चित दायरे में ही हमला करने के लिए मजबूर है। यही वजह है कि वो अपने सहयोगियों से उनके द्वारा दिए गए लंबी दूरी के हथियारों को इस्तेमाल करने की लंबे समय से इजाजत मांग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान इस बात का अब तक का सबसे मजबूत संकेत दिया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ लंबी दूरी की ATACMS मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। From Russia, pummeling Ukrainian cities, citizens, infrastructure with monstrous brutality. And now Putin's further empowering his aggression with the acquisition of Iranian ballistic missiles. So, we're working with urgency to continue to ensure that Ukraine has what it needs to effectively defend itself. ये बात तब सामने आई है जब ईरान द्वारा रूस को मिसाइलों की डिलीवरी की बात सामने आई है। हालांकि ईरान ने रूस को कोई भी मिसाइल भेजने से इनकार किया है। इन फैसलों के बीच अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने बुधवार को कहा कि अमेरिका हमारी सहनशीलता का परीक्षण करता रहा है और ये तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है। हालांकि इन स्थितियों को देखने से यही लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में हालात और बदतर हो सकते हैं, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कई बार इस बात का संकेत दे चुके हैं कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की अनुमति देने की बात पर यूक्रेन सहित उसके पश्चिमी सहयोगियों को भी चेतावनी देते रहे हैं।